नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें हम लोग प्रत्येक प्रश्न के सभी विकल्पों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्नों पर भी विचार करेंगे, जिससे आपके उस पर्टिकुलर प्रश्न पर एक स्पष्ट धारणा विकसित होगी, एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट विकसित होगा और आप उससे संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न श्रृंखला शुरू की जा रही है। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल, मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस स्वयं प्रस्तावित माध्यम के कारण क्रिया क्षमता यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैदा होती है उसे कहा जाता है। अब आप ध्यान दें तो यह न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन्स की एक्टिविटी से बना हुआ क्वेश्चन है, जहां पर न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं यानी कि क्रिया विभव कहते हैं और दूसरे को विश्राम विभव कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं कि आप चूंकि न्यूरॉन, ये मानकर चला जाए कि आप न्यूरॉन पढ़े होंगे, जिसकी संरचना आप पढ़े होंगे, और उस संरचना में जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन, जब भी कोई न्यूरॉन किसी उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होता है तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है कि आयंस होते हैं, प्लस माइनस आयंस होते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन ये जो है एक झिल्ली हो से बना होता है जिसके अंदर और बाहर द्रव भरे होते हैं। तो इसकी एक निश्चित स्थिति होती है जब विश्राम की पोजीशन में होता है, यानी कि जब विश्राम विभव होता है, तो ये जो प्लस आयंस होते हैं बाहर वो अधिक होते हैं और माइनस आयंस अंदर अधिक होते हैं। इस जो ध्रुवीकरण एक तरह का होता है, यह इसे कहा जाता है पोलराइजेशन, यानी कि इस क्रिया को, विश्राम विभव को कहा जाता है ध्रुवीकरण, एक निश्चित ध्रुवीकरण जिसे पोलराइजेशन का नाम दिया जाता है, वह एक निश्चित स्थिति होती है। लेकिन ज्यों ही कोई उद्दीपक द्वारा न्यूरॉन्स उत्तेजित होता है तो जो ये प्लस आयंस हैं वो अंदर आते हैं और माइनस आयंस जो है वो बाहर जाते हैं, और यह एक जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही फिर एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, जो आप यहां देख रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और इस क्रिया को ही फिर डीपोलराइजेशन कहा जाता है, यानी कि विध्रुवीकरण कहा जाता है। अब आइए प्रश्न पर बात करते हैं कि जिस स्वयं प्रस्तावित माध्यम के कारण एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ध्रुवीकरण, यानी कि एक्शन पोटेंशियल कैसे पैदा होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि जब न्यूरॉन्स विश्राम की अवस्था में होता है तभी उसमें एक्शन हो सकता है, अन्यथा एक्शन नहीं हो सकता है। आइए हम दूसरे प्रश्न पर बात करें। जो दूसरा प्रश्न है कि सूची का मिलान करना है, आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, 16 PF, चित्र नैराश्य परीक्षण और प्रासंगिक बोध परीक्षण और PEA। अब आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि 16 PF जो है वो 16 PF कैटेल ने दिया है और TAT थेमेटिक अपर सिस्टम टेस्ट, ये टी
ए टी किसने दिया है, ये मरे एवं मार्गन ने दिया है। अब आप दो चीजों का बहुत ही आसानी से आप जब मिलान कर लेते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मिलान करने वाला प्रश्न आए तो वह बहुत ही आसान होता है। आप अगर दो से तीन ऑप्शन भी मिला लेते हैं, दो ऑप्शन भी मिला लेते हैं तो आपके लिए अत्यंत ही सरल हो जाता है प्रश्न। तो अब चित्र नैराश्य, आप जानते हैं चित्र नैराश्य रोजिन विग ने दिया है, फिर मात्र एक ऑप्शन बचता है जिससे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि पीएन आइजेंक ने दिया है। इस प्रकार से आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 3, 4, 2 और 1। अब आप कूट में जाएंगे, 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या कूट में सी सही हो जाएगा। ये हम अगले प्रश्न पर विचार करें तो स्मृति का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि दीर्घकालिक अनुस्मरण इस कारण असफल हो जाता है। किस कारण असफल हो जाता है? अब हम बात कर रहे हैं स्मृति के द्विकारक सिद्धांत की। आप जानते हैं कि स्मृति की व्याख्या करने के लिए, स्मृति के संचरण या भंडारण की व्याख्या करने के लिए किसने, बाघ तथा नारमैन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे द्विकारक सिद्धांत कहा गया। द्विकारक सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही स्टोरेज इन्होंने बताया था, एक शॉर्ट टर्म अरे एक सेंसरी और एक लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ही तरह की इन्होंने स्टोरेज बताया था और इसीलिए इसे दो कारक सिद्धांत कहा गया, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अब ये कहते हैं कि दीर्घकालिक अनुस्मरण इस कारण असफल होता है। तो अब ऑप्शन पढ़ा जाए कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में सूचनाएं कभी स्थानांतरित नहीं हुई हो, जाहिर सी बात है आप प्रश्न पर एक बार पुनः ध्यान दें कि स्मरण का द्वि प्रक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि दीर्घकालिक अनुस्मरण यानी कि दीर्घकालिक में जो पुनः स्मरण होता है वह असफल होता है। क्यों असफल होता है? कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म में सूचना कभी स्थानांतरित ही नहीं हुई हो, ये तो भाई सही है। दूसरा पे विचार करें हम, अनुस्मरण के समय पर्याप्त संकेत उपलब्ध नहीं थे जिसमें कि शॉर्ट टर्म में सूचना निर्धारित की जा सके। आप जानते हैं कि जो स्मृति की जो प्रक्रिया होती है ई कोटिंग स्टोरेज ऑन रिट्रीवल की होती है, तो अगर निश्चित संकेत यानी ई कोटिंग नहीं प्राप्त हुआ है तो अवश्य ही वह रजिस्टर नहीं हो पाएगी सूचना। जब रजिस्टर नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है वो पुनः स्मरण में असफल हो जाएगी। यानी कि अब अगर आप बात करें तो ये भी प्रश्न, ये भी ऑप्शन सही होगा। अगली बात करते हैं कि सी दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेस अस्खलित हो गए हो, ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में सूचना संचित हुई हो लेकिन समय बीतने के साथ या अन्य सूचनाएं आने के साथ साथ यह जो चिन्ह होते हैं वो धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं या मिट जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इस आधार पर आप प्रश्न तीन का जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से सभी होगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न संख्या 4। आर्मी के लिए मनोवैज्ञानिक ने एक परीक्षण निर्माण किया
मनोवैज्ञानिकों ने आर्मी के लिए परीक्षण निर्माण किया। चूंकि आर्मी से शीघ्र ही बाहर जाना पड़ा, इसलिए उसी समूह पर उस परीक्षण को पुनः लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि परीक्षण जो इन्होंने परीक्षण एक बार लगाया, उस परीक्षण को पुनः लागू नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किसे सहसंबंधित करके उस प्रकार की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सकता है? अब ये एक परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की बात हो रही है, और वहां पर आर्मी में एक मनोवैज्ञानिक ने परीक्षण अप्लाई किया और उसमें उन्होंने देखा कि एक बार उन्होंने उस समूह जो आर्मी की टोली थी, क्योंकि जो बटालियन अलग अलग बटालियन होती, एक बटालियन पे उन्होंने परीक्षण का प्रशासन कर लिया। प्रशासन करने के पश्चात उन्हें तुरंत कहीं जाना पड़ गया और वह पुनः परीक्षण, क्योंकि परीक्षण पुनः परीक्षण आप जानते हैं कि सहसंबंध ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल टेस्ट और स्प्लिट हाफ मेथड। 3 मुख्य तरह की विधियां हैं जो क्या करती हैं, सहसंबंध का निर्धारण करती हैं। तो अब जो मनोवैज्ञानिक है वह परीक्षण को एक ही बार प्रशासित कर पाया और करने के पश्चात वो चला गया। तो अब अगर विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो तो क्या करना होगा? विषम संख्याओं के अंकों तथा सम संख्याओं के अंकों द्वारा, जाहिर सी बात है। अब अगर आपके पास मान लीजिए एक ही परीक्षण है, आपने उसका प्रशासन कर दिया है और मान लीजिए उसमें कुल 100 आइटम है, मान लीजिए उसमें 100 आइटम है, तो आप ऑड इवन करके 50 और 50 के 2 सेट बना सकते हैं, और जब आप 2 सेट बना लेंगे तो इन दोनों सेटों के मध्य आप आपसी कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध की गणना आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं कि प्रत्येक संख्या के अंक तथा अन्य सभी संख्याओं के अंकों से। लीजिए ये भी बहुत आसानी से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के जो अंक हैं और अन्य सभी संख्याओं के अंक दोनों को जब आप एक साथ ले लेते हैं तब भी आपको 2 सेट प्राप्तांकों के 2 सेट मिल जाते हैं, और इन दोनों सेटों के मध्य आप आसानी से सहसंबंध की गणना कर लेंगे। आइए अब बात करें परीक्षण के रेंडमली किए गए 2 भाग, इससे भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि आप रेंडमली किसी भी तरह से इसको 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। अब जब आप 2 बराबर भागों में बांट लेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत आसानी से उसका भी सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो विकल्प हैं 1, 2 और 3 तीनों सही होते हैं, और जो उपयुक्त में से कोई नहीं यह पूरी तरह से क्या हो जाता है, यह पूरी तरह से गलत हो जाता है। और ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन 3। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। तो क्लासिकल अनुबंधन पर निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आधारित हैं? ये अब हम लोग पहुंच गए क्लिनिकल साइकोलॉजी में कि चिकित्सा पद्धति की बात की जा रही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग प्राचीन अनुबंधन पर कौन कौन सी विधि आधारित है। अब आप देख रहे हैं कि इन विवो चिकित्सा है, फ्लडिंग है, विलोपन प्रशिक्षण है और क्रमबद्ध असंबद्धीकरण है। आप जानते हैं कि व्यवहार तकनीक के अंतर्गत, बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत ये प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से चिंता को कम करने की जो 2 प्रमुख विधियां हैं जैसे डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग, 2 ऐसी विधियां हैं। डिसेंसिटाइजेशन साल्टर तथा वोल्फ ने दिया है। इसमें क्या होता है, चिंता को कम करने के लिए एक क्रमबद्ध रूप से कल्पना कराई जाती है जिस चीज से व्यक्ति को चिंता होती है, खासकर इसमें किसी तरह की फोबिया या डर को समाप्त किया जाता है। और कहा कैसे, एक काल्पनिक
अवस्था में रखकर एक इमेजिंग कराकर हल किया जाता है, और फ्लडिंग में क्या किया जाता है कि वास्तविक परिस्थिति में रखा जाता है। वास्तविक परिस्थितियों में रखकर किसी तरह के चिंता से व्यक्ति को दूर किया जाता है। तो अगर हम क्लासिकल अनुबंधन की बात करें तो क्लासिकी अनुबंधन में मात्र यही दो ऑप्शन आते हैं, फ्लडिंग और क्रमबद्ध असंवेदीकरण। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब ये स्टैटिक्स का प्रश्न आ गया, इसमें से कौन सा प्राचल परीक्षण है? आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जानना होगा। हमने पिछले व्याख्यानों में पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स का वीडियो बना रखा है, जिसमें स्पष्ट उदाहरणों द्वारा, रिलेवेंट उदाहरणों द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स क्या होता है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। तो अभी तक जो व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम प्रश्न पर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा प्राचल परीक्षण नहीं है। क्या बात कर रहा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो 3 ही पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, जिसे आप एफ टेस्ट कहते हैं, टी टेस्ट करते हैं और जेड टेस्ट करते हैं। यानी कि 3 ऐसे परीक्षण हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, अन्य सभी टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा, टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। तो जो प्राचल परीक्षण के अंतर्गत टेस्ट नहीं आता है वो कौन सा है, चिन्ह परीक्षण, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रेक्षण अधिगम में मूल कारकों का क्रम है। प्रेक्षण अधिगम में, प्रेक्षण अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सबसे पहली बात आप ध्यान दें कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दिया है, वेंडूरा ने। इनका एक महत्वपूर्ण अध्ययन था बेबो डाल, जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों को काल्पनिक फिल्में दिखाई, जिसमें एक बेबो डाल को 2 कंडीशन में रखा गया था। उसी के आधार पर इन्होंने प्रेक्षण लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग दिया। उसमें एक सीखने का एक निश्चित क्रम इन्होंने प्रस्तुत किया, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन तथा मोटिवेशन। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले, चूंकि अगर प्रेक्षण कर रहा है बालक, तो सबसे पहले क्या करेगा, अटेंशन करेगा। अटेंशन यानी ध्यान देगा। ध्यान देने के बाद उसका रिटेंशन करेगा, यानी कि धारण करेगा। उसको धारण करने के बाद उसमें एक प्रोसेसिंग चलेगी, मेंटल प्रोसेस चलेगा। तो मेंटल प्रोसेस को उन्होंने कहा अटेंशन, रिटेंशन तथा प्रोडक्शन कह दीजिए आप, प्रोसीजर भी कह सकते हैं। और अंत में जो उन्होंने ऑप्शन रखा वो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रेक्षण अधिगम है वह अटेंशन, अवधान, धारण, उत्पादक प्रक्रिया और अभिप्रेरण। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो कुछ स्थितियों में एड्स सुधार लागू करते हैं। ये भी स्टैटिक्स का प्रश्न आ गया कि एड्स सुधार किसमें लागू करते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि जो एड्स सुधार होता है वो किसमें लागू होता है, काई स्क्वायर में लागू होता है, क्योंकि फ्रेडमैन मान विटनी टेस्ट, क्रिस्टल वाली टेस्ट में
नहीं, काई स्क्वायर की कुछ परिस्थितियों में एड्स सुधार लागू होता है। आइए हम अगले प्रश्न पर बात करें। प्रश्न संख्या 9, गैल्वी त्वच प्रक्रिया क्या है। देखिए फिर से हम फिजियोलॉजी में आ गए कि गैल्वी त्वक प्रक्रिया क्या है। आप इसे संवेग का प्रश्न भी कह सकते हैं कि त्वचा की जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, प्रतिरोध त्वचा में एक तरह का प्रतिरोध होता है जिसे हम मापकर व्यक्ति के विभिन्न तरह के संवेगों का अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रश्न है कि गैल्वेनिक त्वचा प्रतिक्रिया क्या है। अगर आप गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स की बात करें तो बहुत ही आसान प्रश्न बनता है कि यह क्या है, त्वचा प्रतिरोध में वृद्धि है। यानी कि जब हमारे त्वचा प्रतिरोध में वृद्धि होती है तो वही इसी को गैल्वेनिक त्वचा प्रतिक्रिया कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर कूट संकेत दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि जो स्किन रिस्पॉन्स होता है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स में कभी भी कमी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि डिक्रेजन के आधार पर आप गैल्वेनिक त्वच प्रक्रिया को नहीं माप पाते। तो वहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह अवश्य ही त्वचा प्रतिरोध में वृद्धि और त्वचा संचार में वृद्धि, कम्युनिकेशन में वृद्धि और संचार प्रतिरोध में वृद्धि। यानी कि इस आधार पर आप अगर कूट में मिलान करें तो कूट के ऑप्शन होगा ए। आइए हम प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 एक तरह से आप कहें रिसर्च का प्रश्न है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें सूची फर्स्ट में व्यक्ति इतिहास विधि, सहसंबंध विधि, प्रेक्षण विधि और सर्वे विधि। अगर आप सूची सेकंड को पढ़ें तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली घटनाओं का प्रेक्षण। दूसरा पढ़ें वैज्ञानिक उद्देश्य से प्राप्त एक जीवनी लेखन। तीसरा बड़ी संख्या में लोगों से प्रश्न पूछकर सूचना प्राप्त करना। विद्यमान अंतरों के बीच संबंध स्थापित करने की विधि। बहुत ही सरल क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि सर्वे में क्या होता है, सर्वे में आप क्या करते हैं कि प्रश्न ही तो पूछते हैं। सर्वे में आप क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या से प्रश्न पूछ लेते हैं। और स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली घटनाओं का अध्ययन कहाँ करेंगे आप। स्वाभाविक रूप से अगर कोई घटना घट रही है तो उसे आप, और वैज्ञानिक उद्देश्य से प्राप्त जीवन लेखन की जब भी आप बात करें तो आप इसे अवश्य ही व्यक्ति इतिहास विधि से जोड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं बीच संबंध स्थापित की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप सहसंबंध विधि से इसका मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का सी सही हो जाएगा और आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सभी विकल्पों पर हम इस तरह से मंथन कर सकते हैं और आपका एक ही साथ कई प्रश्नों को की तैयारी हो जाती है। आप अगर ध्यानपूर्वक इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्रतिदिन देखते हैं तो अवश्य ही आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही उच्च स्तर की होगी। अगर आप UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या किसी भी आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन इस 10 प्रश्नों की व्याख्यात्मक श्रृंखला आप तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा भी आप लोगों को जो भी चीजें न समझ में आ रही हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और
कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रश्न श्रृंखला की व्याख्यान कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कमेंट से हमें पता चलता है कि किस वे में चलना चाहिए, किस तरह का सुधार करना चाहिए और भी अच्छी तरह से आपको अध्ययन कराने के लिए किस तरह के और प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।